नदीम सेवन, मेरा मुलाकात जो हुआ था वो फर्स्ट गुलशन जी के ऑफिस में ही हुआ था। एंड गुलशन कुमार के ऑफिस में जूम एक ऑफिस हुआ करता था उनका, टीसी सुपर कैसेट का। एंड उसमें हम लोग हमेशा जाया करते थे, तो वहाँ पे नदीम सेवन जी से मुलाकात कराया गुलशन जी ने। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को बोला कि गुलशन जी ने कहा कि भाई एक कुमार सानू जी के साथ एक एल्बम बनाते हैं, चलो नदीम सेवन जी हम लोग एक काम करते हैं, एक बड़ा सुपर डुपर एल्बम बनाते हैं, आप लोग बनाओ एकदम 10 गाना बनाओ ऐसा कि एकदम मज़ा आ जाए। तो हम लोग गाना रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके गाना सब रिकॉर्ड हो गया, 10 गाना 9 गाना रिकॉर्ड हुआ, 9 गाना पहले रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने बोला कि चलो इसको रिलीज़ करते हैं। उस समय महेश भट्ट जी वहाँ पर आए तो गुलशन जी दिखाते हैं ना, ये देखिए महेश जी हमने ये नया मशीन ख़रीदा, ये देखिए नया मुकेश जी हम लोग नया एल्बम रिलीज़ करेंगे, उसका हमने कुछ रिकॉर्ड किया, सुनेंगे आप? तो मुकेश जी बोला कि हाँ सुनाओ म्यूज़िक, कौन म्यूज़िक किया? तो बोलता है नदीम सेवन ने म्यूज़िक किया, एक नया लड़का आया देखो गाया कैसा। एक एक गाना सुन रहे हैं, महेश जी बोला कि अरे ये तो फिल्म के गाने हैं यार, ये तो फिल्म के गाने हैं, ये एल्बम में क्या कर रहे, तुम एल्बम क्यों बना रहे इसको फिल्म? अरे अरे फिल्म बनाएंगे, आप बनाओ फिल्म, ऐसा जस्ट मजाक में उन्होंने बोला कि आप बनाओ फिल्म, आपको अगर लगता है कि इसमें फिल्म बनता है तो बोलता है एक काम करो सारे गाने मेरे को दे दो और इसके ऊपर मैं स्टोरी बनाता हूँ और इसके ऊपर हम, तो बोलता है सच्ची में यू आर सीरियस? बोले हाँ सीरियस, बोले गाना ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए कि इतना खूबसूरत गाने हैं। तो महेश जी ने गाना लिया और गाने के ऊपर उन्होंने एक लव स्टोरी बनाया। गुलशन जी बोला बजट एकदम सब मिनिमाइज, एकदम मिनिमम बजट होगा, नया लड़का लड़की ले लो, अब तो मालूम है कैसा है, तो बना डालो। तो उन्होंने फटाफट आशिकी बनाया, आशिकी वॉज एन एल्बम फर्स्ट, एंड उसके ऊपर महेश जी ने पिक्चर बनाया और पिक्चर आई थिंक वो एक हिस्ट्री है।